सबसे पहले स्वागत है बहन जी आपका। धन्यवाद। तो आज विमुक्त घुमंतु जो जाति का ये 71वां जो ये दिवस मनाया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे विमुक्ति दिवस के? सबसे पहले तो मैं देशवासियों को, हमारे DNT वर्ग के सभी समाज के लोगों को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और दूसरा, समाज आज हर जगह पूरे देश में जगह जगह ऐसे कार्यक्रम मुक्ति दिवस के अवसर पर मना रहे हैं। वो एक हमारे समाज को जो आज़ादी का अवसर मिला था वो 1952 में मिला था, उसी उपलक्ष्य में पूरा देश मुक्ति दिवस को बहुत ही धूमधाम से मना रहा है। और इसको आने वाले समय में समाज को जोड़ने का कार्य करेगा। और इसमें हमारी चाहे राजनीतिक हिस्सेदारी की बात हो, चाहे सामाजिक बराबरी का अधिकार की बात हो, चाहे आर्थिक की बात हो, उन सब पर समाज मिलकर, चाहे शिक्षा की बात हो, उसके लिए एक समाज के प्रबुद्ध जीव लोग इस पर कार्य कर रहे हैं। और अब मेरे समाज की उम्मीद जगने लगी है। जब से देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से इन वर्गों के अंदर भी एक उम्मीद की किरण जगने लगी है, जिसकी हमें अब सूर्य की तरह, प्रकाश की तरह ये चीज़ें दिखने लगी हैं। लगभग कितने स्टेट के यहाँ पे लोग एकत्रित हुए थे आज इस कार्यक्रम में? लगभग यहाँ पर कम से कम भी 19 के करीब स्टेटों के लोग, यहाँ हिंदी भाषी स्टेटों के लोग विशेष करके, बाकी तमिलनाडु भी, मद्रास भी, और हमारे मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान है, झारखंड है, उत्तराखंड है, इन सभी स्टेटों के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं प्रमुख लोग। अभी आगे किस तरह की क्या कार्यशैली रहेगी? कोई नई कमेटी गठित हुई है या फिर ये अखिल भारतीय ही रहेगी? अभी जैसा कि आपने अभी मंच के माध्यम से सुना होगा कि आज जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी उसको भंग कर दिया गया है। निकट भविष्य में जल्दी ही हमारी नई कार्यकारिणी की घोषणा होगी। उसमें 4 से 6 महीने का टाइम लग सकता है। पूरे देश के कोने कोने से, हर प्रांत से हमारी बहनों को और हमारे समाज के लिए आगे बढ़कर कार्य करने वाले लोगों को इन वर्गों के दायित्व दिए जाएंगे। समाज में कुछ ऐसे हैं कि जो वंचित रह जाते हैं शिक्षा से, या कुछ कुरीतियाँ हैं समाज के, तो क्या ये कार्यकारिणी आप बैठक तैयार करोगे, क्या उनके लिए कुछ नया कदम उठाने वाली है? जैसे कार्यकारिणी गठित होगी तो मेरा तो एक ही है, सरकारों से भी और इस कार्यकारिणी के कोई भी बहन भाई आगे बढ़कर आएंगे, कि सबसे पहले शिक्षा का हथियार अगर मेरे समाज के अंदर होगा तो मैं कहती हूँ दावे से, ये समाज किसी से पीछे नहीं रहेगा। जो पढ़ लिख कर निकल गए आगे वो पाछे नहीं रहने के, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर ने भी यही कहा था कि जो व्यक्ति पढ़ जाता है वो बढ़ जाता है। बाबा भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे, जब आरक्षण भी नहीं था तो उन्होंने 32 डिग्री हासिल करके देश का संविधान बनाया था। ऐसे बाबा भीमराव अंबेडकर की वजह से आज हम एक मंच पर जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, हम उनको भी कोटि कोटि नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे काफ़ी सारे स्टेट्स हैं यहाँ पे एकत्रित हुए थे, और ये अखिल भारतीय समस्त भारतीय समाज संगठन ने एक अच्छा एक प्रोग्राम किया था, जो आज साहा ऑडिटोरियम दिल्ली के अंदर ये प्रोग्राम रहा है। और इस प्रोग्राम में विभिन्न अलग अलग जातियाँ थी, जैसे कि बावरिया, बावरी, बागरी, इसके अलावा और भी जाति हैं, वो सभी एकत्रित हुए हैं। और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे किया है और अपना 71वां विमुक्त घुमंतु जाति का दिवस मनाया है, यानी कि आज़ादी दिवस मनाया है। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।